तुम लोगों ने न्यूज़ चैनल या फिर आर्टिकल में बांग्लादेश के इस लड़के के बारे में सुना होगा जिसकी एज महज 20 साल की होती है और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है और ये अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ाई के साथ साथ एक पोएट्री फॉर्म में जॉब करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर इसके पहले तो कुछ दोस्त बनते हैं जिनसे इसकी दोस्ती होती है और कुछ ही दिनों बाद इन लोगों की दुश्मनी होती है और दुश्मनी भी इतने हद तक होती है कि ये लोग पहले तो इसे किडनैप करते हैं और इसके बाद इसको मार देते हैं और यहीं तक ये नहीं रुकते हैं। इसे मारने के बाद ये लोग इसके बॉडी पर जितने भी मांस होते हैं उसे पकाकर खा जाते हैं और जो बची कुची इसकी हड्डियाँ होती है उनको पास ही के पहाड़ी पर ले जा करके फेंक देते हैं। तो 17 अगस्त 2023 को सिबली सादिक खरदोई इस लड़के का पूरा नाम होता है जो कि अपने फैमिली को कॉल करता है और कहता है कि कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया है और फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के तुरंत ही बाद फिर एक और कॉल आता है जो कि बेसिकली किडनैपर द्वारा किया जाता है और किडनैपर डिमांड करते हैं फिरौती की जो कि कुछ 15 लाख टका होता है। बेसिकली बांग्लादेश में टका चलता है जो कि सिबली के फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम होती है। तो आखिर ऐसी क्या रीज़न थी कि इन लोगों के बीच और सिबली के बीच की इनकी दोस्ती इतनी गहरी होने के बावजूद भी इतनी भयानक दुश्मनी में बदल गई? तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सिबली अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी करता था ताकि वो अपने खर्चे खुद से उठा सके और पढ़ाई की फीस भी भर सके और इसलिए उसने एक पोएट्री फॉर्म में जॉब भी करनी शुरू कर दी थी और वहाँ पर उसके कुछ नए दोस्त भी बने जो कि सिबली के एज से 4 या 5 साल बड़े थे और सिबली इस सबसे काफ़ी समझदार था जिसे पोएट्री फॉर्म के ओनर ने सिबली को पोएट्री फॉर्म की वर्कर्स की जिम्मेदारी दे दी जिसे सिबली अच्छे से निभा भी रहा था। पर वो कहते हैं ना जब इंसान कामयाब होने लगता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यह चीज़ पसंद नहीं आता है और सिबली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके ही साथ काम कर रहे कुछ उसके दोस्त थे जिनको ऐसा लगता था कि सिबली इतने कम टाइम में ही आकर और उनसे छोटा होने के बाद भी उन पर हुक्म चला रहा है। तो इस सब को लेकर सिबली और उसके दोस्तों के बीच लड़ाइयाँ हो गई जिस पर पोएट्री फॉर्म के ओनर ने सबको अच्छे से समझाया भी और फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बेसिकली सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। और फिर अचानक एक दिन जिन लड़कों और सिबली के बीच लड़ाइयाँ हुई होती है उनमें से एक मेन था जिसका नाम था ऊंचिंग मारमा। हमेशा की तरह सिबली पोएट्री फॉर्म को बंद करके घर जा ही रहा होता है। ऊंचिंग मारमा और उसके साथ ही 4 और लड़के सिबली को पकड़ के बुरी तरह से पीटते हैं जिसे वो बेहोश की हालत में हो जाता है। फिर उसके बाद ये बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तो ये खुद को बंधा हुआ पाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास एक फ़ोन भी है और वो अपने माँ के पास कॉल करता है और अपनी कंडीशन को बताता है। फिर किडनैपर सिबली के घर फ़ोन करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। अब ये जो रकम थी बेसिकली सिबली के फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा थी, जैसे तैसे करके ये लोग 2 लाख टके के लिए किडनैपर्स को राजी करते हैं। और फिर 4 सितंबर वो दिन होता है जब सिबली के पिता जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करते हैं और वो किडनैपर के द्वारा बताए गए जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद किडनैपर्स वहां से पैसे लेकर जाने लगते हैं और इसके बाद सिबली के पापा उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। तो किडनैपर्स बोलते हैं कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पर पहुंच चुका होगा। जब सिबली के पापा घर आ रहे होते हैं तो उनको पता लगता है घर पर आकर कि उनका बेटा अभी भी घर नहीं आया। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं पर सिबली का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उसके पेरेंट्स को मजबूरन पुलिस में कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है। शायद ये चीज़ उन्हें पहले करनी चाहिए थी पर किडनैपर्स ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर पुलिस को बताया तो शायद तुम्हारा बेटा कभी न मिले। फिर जब पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें ये 4 लड़कों का पता लगता है और व्हेनेवर जब पुलिस ने इनसे बॉडी की बात पूछी तो इन लोगों ने जो बताया उससे पुलिस वाले भी शॉक्ड हो गए सुनकर, क्योंकि वे लोग सिबली को मारकर उसकी बॉडी को खा गए थे और जो बाकी की बची खुची हड्डियां होती है उसे इन लोगों ने कहीं फेंक दिया है। और जब गांव वालों को ये चीज पता लगती है तो वो सारे गांव वाले मिलकर पुलिस के गाड़ी को रोक करके जो इस
चीज में मेन अपराधी होता है उंची मारवा, उसे पकड़ करके सारे गांव वाले मार देते हैं।